नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम बात करेंगे विश्व मानचित्र की कक्षाओं के अंतर्गत विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के नाम और उनकी अवस्थिति के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूएसए और नीचे आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिको। तो यूएसए और मैक्सिको में सम्मिलित रूप से एक मरुस्थल है यहाँ पर, इस एरिया पर। यहाँ पर स्थित जो मरुस्थल है उसको हम मोजेव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोजेव, मोजेव मरुस्थल। इसी को मोहावे भी कहा जाता है। तो मोजेव या मोहावे जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। हालांकि इसी मोजेव का ही एक भाग है जो पहुंच जाता है यहाँ पर मैक्सिको तक। इस मरुस्थल को कहा जाता है सोनोरन डिजर्ट। किस नाम से जाना जाता है? सोनोरन डिजर्ट। हालांकि सोनोरन डिजर्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे एरीजोना भी कहा जाता है। तो मोजेव या मुहावे मरुस्थल आपका यूएसए में स्थित है, जबकि सोनोरन डिजर्ट मैक्सिको में स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो बहुत पॉपुलर मरुस्थल हैं। आपको एक देश दिखाई देगा यहाँ पर, अर्जेंटीना, और इधर एक दिखाई देगा देश चिली। चिली के उत्तरी किनारे पर यहाँ पर स्थित एक मरुस्थल है, उसको कहा जाता है अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा मरुस्थल। इसके बाद ये आपको अर्जेंटीना दाई ओर इसके दिखाई दे रहा है। दक्षिणी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के दक्षिणी छोर पर स्थित एक मरुस्थल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको पैटागोनिया मरुस्थल कहा जाता है। पैटागोनिया, हमने आपको पिछली क्लास में पैटागोनिया पठार भी बताया था। इसके बाद आ जाते हैं सीधे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक बड़ा सा मरुस्थल हमको यहाँ पर दिखाई देगा, पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ। इस मरुस्थल को कहा जाता है सहारा। सहारा मरुस्थल की खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। एनसीईआरटी बुक उठा के आप देखेंगे कक्षा 7 की, वहां पे ये फैक्ट मिल जाएगा। इसी सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक देश मिस्र है। यहाँ से नील नदी ऐसे करके जाती है। तो नील नदी के दूसरे छोर पर इस एरिया पर एक मरुस्थल मिलता है, इसको हम जानते हैं नूबिया मरुस्थल के नाम से। नूबिया मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है अगर नूबिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, आप बताइएगा मिस्र पर। इंग्लिश में इसको नूबियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में सहारा और नूबियन हो गए। अब आ जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका के आसपास। दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम नामीबिया है। नामीबिया के छोर पर इस किनारे पर समुद्र से लगा हुआ जो मरुस्थल, इसको नामिब मरुस्थल कहा जाता है। नामिब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। इधर एक देश आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बोत्सवाना, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है साउथ अफ्रीका और नामीबिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीनों देशों से लगा हुआ एक मरुस्थल यहाँ पर मिलता है, उसको कालाहारी डिजर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट आपसे पूछे किस देश में है, तो मुख्य रूप से तो ये बोत्सवाना में है। मुख्य रूप से कहाँ पर है? मुख्य रूप से बोत्सवाना में है। लेकिन अगर थोड़ा सा ग्रेड को और बढ़ाया जाए, यानी थोड़ा सा अच्छे स्तर का प्रश्न अगर कर दिया जाए पीसीएस यूपीएससी में, तो पीसीएस यूपीएससी में प्रश्न पूछता है कि कालाहारी डिजर्ट कहाँ पर स्थित है, तो वहां पर साउथ अफ्रीका भी ऑप्शन दिया जाता है, नामीबिया भी और बोत्सवाना भी। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है तीनों देशों में स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से कालाहारी में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के आपने डिजर्ट समझे हैं। आइए अब चलते हैं हम सीधे ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया पर कई सारे मरुस्थल हैं, लेकिन उनकी आपको लोकेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ये ध्यान रखिए कि उनकी लोकेशन लगभग इस एरिया पर है, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी प्रदेश स्थित है, और उनके नाम इकट्ठा याद कर लेते हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी, ग्रेट लगा हुआ है दो के नाम में, ग्रेट सैंडी में भी और ग्रेट विक्टोरिया में भी। इसके बाद एक जैसे दो नाम है, गिब्सन और सिंपसन। गिब्सन
सिंपसन। इसके बाद और कुछ डिजर्ट यहाँ पर स्थित हैं, तनामी और स्टुअर्ड स्टोनी। स्टुअर्ड स्टोनी, इतने सारे मरुस्थलों को आपको रट लेना है। ये सारे मरुस्थल स्थित हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, लोकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको रटा होना चाहिए कि ये मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। जोड़ा बना करके याद कर लीजिएगा, 4-6 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को आपने समझा। अब सीधे हमें चलना है एशिया में, क्योंकि यूरोप में कोई खास मरुस्थल है नहीं, तो हमें एशिया में अब बात करना है बहुत सारे महत्वपूर्ण मरुस्थलों की। तो दाई ओर से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गोबी डिजर्ट, ये आपका देश मंगोलिया दिखाई दे रहा है, मंगोलिया में और चाइना में दोनों में फैला हुआ है मरुस्थल। इसको कहा जाता है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबी के आगे जाएंगे आपको चाइना में, यहाँ पर एक दिखाई देगा इसको तकला मकान। तकला मकान हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तकला मकान का पठार स्थित है चाइना में। इसके बाद इंडिया में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो मरुस्थल है इसका नाम है थार का मरुस्थल, आप जानते हैं इसी तरह से। थार के मरुस्थल के बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम एशिया के आसपास। दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की। ईरान में दस्त ए लुत, इस साइड पर आप जाएंगे तो आपको एक मरुस्थल मिलेगा दस्त ए लुत। दस्त ए लुत ईरान में थोड़ा सा ऊपर आप चले जाएंगे तो दस्ते कबीर मिल जाएगा यहाँ पर आपको। दस्त ए कबीर, कबीर या काबिर कुछ भी मिल जाए। दस्ते लुत, दस्ते कबीर दोनों मरुस्थल आपके ईरान में हैं। इसके बाद सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया में एक डिजर्ट मिलेगा, उसको रुबल खाली के नाम से जानते हैं। एरिया में एक मरुस्थल मिलेगा उसको रुब अल खाली या रब अल खाली कुछ भी मिल जाए, रुब अल खाली डिजर्ट। सऊदी अरेबिया में ही ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा, हालांकि उसकी लोकेशन आपको मैप में कभी मिलेगी नहीं, इस मरुस्थल को कहा जाता है हमद। तो हमद और रुबल खाली मिल जाएंगे आपको सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में। इसके बाद दस्तेलु दस्ते कबीर मिल जाएंगे आपको ईरान में। चलते हैं थोड़ा सा सेंट्रल एशिया की बात कर लेते हैं। सेंट्रल एशिया में दो मरुस्थल आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपकी जो झील है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील के पास ही यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है, एक डिजर्ट यहाँ पर जिसके हम बात करेंगे, और एक डिजर्ट की लोकेशन लगभग यहाँ पर जिसकी हम बात करेंगे, काराकुम और किजुलकुम। तो पहला जो मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन यहाँ पर है, इसका नाम है काराकुम। काराकुम, काराकुम देश, काराकुम जिस देश में स्थित उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान काराकुम। और दूसरा हो गया यहाँ पर आपको बताया गया किजुलकुम। किजुलकुम इसकी भी लोकेशन तुर्कमेनिस्तान के पास है, कजाकिस्तान के पास है, तीन देशों में स्थित है ये, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान तीन देशों में स्थित है। तो इस तरह से मानचित्र में हमने विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को फिल कर लिया है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।